हरियाणा में 3 दिन राहत के बाद आज से फिर भीषण गर्मी की शुरुआत हो गई। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि प्री मानसून आने तक पारा 45 से 46 पार जाने का अनुमान है। 14 मई से 5 जून तक लगातार 23 दिन प्रदेश में भीषण लू चल चुकी है, जो अब तक का रिकॉर्ड है। इससे पहले साल 1982 में लगातार 19 दिन तक लू चली थी। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी सूबे में लू का दौर जारी रहेगा, संभावना है कि 4-5 दिन और लू चलेगी। पिछले 24 घंटों में रात का तापमान औसतन 2.3 डिग्री बढ़ा है। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 5.8 डिग्री बढ़कर 30.9 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं पंचकुला और यमुनानगर में यह 25.9 डिग्री रहा। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर मदन खीचड़ का कहना है कि हरियाणा में मानसून अभी 1300 किलोमीटर दूर है। अभी मानसून कर्नाटक से होते हुए महाराष्ट्र तक पहुंच गया है, हालांकि इस बार उसकी स्पीड काफी अच्छी है। प्रदेश में मानसून 28 जून से जुलाई के पहले सप्ताह में कभी भी दस्तक दे सकता है। उससे पहले प्री मानसून की बारिश होगी। उन्होंने संभावना जताई कि 20 जून के करीब मौसम में जबरदस्त बदलाव देखने को मिल सकता है। इस बार हरियाणा में 96 से 102% बारिश का अनुमान है, जो सामान्य की श्रेणी में आती है। मानसून सीजन में 460 mm बरसात सामान्य मानी जाती है। सामान्य बारिश हुई तो खरीफ की फसलों की बिजाई समय पर हो सकेगी। अब आपको बता दें कि हरियाणा में बीते 3 दिनों तक राहत रही। एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से हरियाणा में मौसम में बदलाव देखने को मिला। पूर्वी पाकिस्तान, उत्तरी राजस्थान व दक्षिण पंजाब पर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ था, जिसके कारण मौसम में ये बदलाव देखने को मिले। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, करनाल, यमुनानगर, सोनीपत, जींद, पानीपत, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला व पंचकुला में कहीं कहीं तेज हवा व गरज चमक के साथ बूंदाबांदी या हल्की बारिश हुई। इसका असर यह हुआ कि दिन के तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली। इस रिपोर्ट में सचकू द्वारा आपको मौसम से संबंधित जानकारी साझी की गई है। इस रिपोर्ट को हमारे दर्शक किस नजरिए से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा इस रिपोर्ट को लाइक शेयर करें।